हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ स्मॉल ब्लॉक इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 4.9 मीटर। तो यहाँ पर एक स्मॉल ब्लॉक है जिसका जो एक मासलेस स्प्रिंग से अटैच्ड है, और वो एक मासलेस स्प्रिंग का जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है वो 4.9 मीटर है। द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड, और एक जो ये एंड है हमारा स्प्रिंग का वो फिक्स्ड है। द सिस्टम लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सर्फेस, और ये जो हमारा सर्फेस है ये हमारा सर्फेस फ्रिक्शनलेस है। द ब्लॉक इज स्ट्रेच्ड बाई 0.2 मीटर एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू जीरो। अब इस ब्लॉक को टी इक्वल टू जीरो पर रेस्ट से इसको रिलीज किया जाता है 0.2 मीटर स्ट्रेच करके। इट देन एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियंस। और जब इसको रेस्ट से रिलीज किया जाता है तब ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है जिसका फ्रिक्वेंसी है पाई बाय 3 रेडियंस पर सेकंड। साइमल्टेनियसली एट टी इक्वल टू जीरो अ स्मॉल पेबल्स इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी विद स्पीड वी फ्रॉम पॉइंट पी एट एन एंगल 45 डिग्री एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर जिस समय इस ब्लॉक को रिलीज किया जाता है टी इक्वल टू जीरो पर, उसी समय टी इक्वल टू जीरो पर एक पेबल्स मतलब एक पत्थर को 45 डिग्री पर वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो पॉइंट पी इज हॉरिजॉन्टल, पॉइंट पी इज एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। तो पॉइंट पी जो है हमारा वो ओरिजिन से 10 मीटर दूर है। इफ पेबल्स हिट्स द ब्लॉक एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, अगर पेबल्स हमारा टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, ये पत्थर हमारा टी इक्वल टू 1 सेकंड पे इस ब्लॉक को हिट करता है, तो हमें वैल्यू ऑफ वी वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो हम की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन तो इस क्वेश्चन में जो हमारा टी इक्वल टू 1 सेकंड पे जब ये पार्टिकल ब्लॉक को हिट करता है तो यही हमारा टाइम पीरियड हुआ। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा हमारा 1 सेकंड, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u sin θ / g। तो यहाँ पर हम सारे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा 2u sin 45 डिग्री होता है 1/√2/g इज इक्वल टू टी, टाइम पीरियड हमारा 1 सेकंड है। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले टू को अगर हम √2 × √2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 × √2 × u/√2 × g इज इक्वल टू 1। यहाँ से √2 √2 कट जाएगा और यहाँ पे u हो जाएगा हमारा g/√2। तो यहाँ पर हम u को g को अगर हम √2 के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √g²/2। तो अगर g की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा √50। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो होगा u = √50। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।